I hope the screen is visible to everybody. Yeah. So, guys, welcome. See, friends, हम लोग जो यहाँ पे CAD सेंटर में जो क्लासेस सीख रहे हैं, दैट इज मेजरली अबाउट द सॉफ्टवेयर टूल्स. बट अवर ऑब्जेक्टिव इज कि आप सब लोग स्पेस डिजाइनर बने. तो इस वजह से ये कोर्स आई हैव डिजाइन द करिकुलम कि कैसे 7 इजी स्टेप्स में आप लोग एक स्पेस को डिजाइन कर सकते हैं. या बट इट इज एक स्पेस को आप जब देखते हो तो सबसे पहले आपको मास्टरी करनी है अबाउट होम डिजाइन. या तो वो क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारा मैं बताऊंगा. या सो लेट्स अंडरस्टैंड माय एनालिसिस फर्स्ट. सी गाइस, इफ यू वाई यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन रेसिडेंशियल होम्स, द फर्स्ट रीजन इज लेट्स से कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स सिविल इंडस्ट्री में बनते हैं. तो अगर ये पिरामिड है, तो अगर मैं टॉप से देखूं तो बहुत ही कम आपको मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, एयरपोर्ट्स, ये बहुत ही कम दिखेंगे, है ना. अभी आप एक शहर में उससे ज्यादा होते हैं हॉस्पिटल्स, उसके बाद होते हैं कमर्शियल स्पेसेस. और फिर आपको थोड़े बहुत रिजॉर्ट्स वगैरह भी इसमें दिखेंगे, राइट. हाई राइज बिल्डिंग्स, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, सो वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 12 करोड़, आउट ऑफ विच 2 करोड़ 80 लाख पीपल रिसाइड ओनली इन टू सिटीज, मुंबई एंड पुणे. तो यहाँ पे भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, है ना. लेकिन अगर आप बाकी सारे शहरों में जाओगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा. तो हाई राइज बिल्डिंग्स में भी ज्यादा स्कोप नहीं है. तो स्कोप कहाँ है दोस्तों? और ये कोर्स मैंने उसी स्कोप को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, आप कैसे ज्यादा कमा सकते हो पैसे, इसके लिए बनाया हुआ है. यू इफ यू हैव बीन लिसनिंग टू मी रेगुलरली और इफ यू हैव मेट मी पर्सनली, सी गाइस, आई एम ऑन अ मिशन दैट हाउ द फ्रेशर्स इंजीनियर्स कम्युनिटी एंड द इंटीरियर डिजाइनिंग एंड अदर पीपल हु आर फ्रेशर्स एंड प्रैक्टिशनर्स कैन अर्न मोर मनी इन योर लाइफ. या सो दिस इज माई एनालिसिस फ्रेंड्स. नाउ इफ यू लुक एट वॉट इज द 80%, ये इतना बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है, विच इज द बॉटम ऑफ द पिरामिड, दिस इज अबाउट रेसिडेंशियल होम्स. या और रेसिडेंशियल होम्स में आप देखोगे, सो हु आर द पीपल हु डिप्लॉय सिविल इंजीनियर्स एंड डिजाइन देयर होम्स आर द पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी एंड दे आर बिल्डिंग बिग हाउसेस. या सो इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर और इफ यू आर एन इंटीरियर डिजाइनर, उस आइडेंटिटी से परे मैं आपको एक अलग आइडेंटिटी दे रहा हूं. या आप इस प्रकार से दोस्तों घर को डिजाइन करना चालू कीजिए, इस तरह से घर को डिजाइन करना आप सीखिए कि आप ये जो बड़े पैसे वाले जो लोग हैं ना, उनके जो बड़े हाउसेस होते हैं, यहाँ पे ही आपको सबसे ज्यादा कंसल्टिंग फीस मिलेगी. सो आई वॉन्ट टू एंश्योर दैट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स कि आपको हम लोग ये तो सिखाएंगे ही कि ये हाउसेस कैसे डिजाइन करना है. तो हमारा टारगेट क्या होगा, हाउस को भी डिजाइन करके देना है और मटेरियल के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना है. तो अगर आप सिविल इंजीनियर हो और इंटीरियर डिजाइनर हो, तो आज इस मास्टर क्लास में अगले 30 मिनट्स में मैं आपको एक एक करके आज सारा ओवरव्यू देने वाला हूं. या चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल होम. बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि एक खूबसूरत घर क्या होता है. खूबसूरत घर लोगों को लगता है कि एक बड़ा घर, अ बिग हाउस इज अ ब्यूटिफुल हाउस. तो फिर ऐसे तो अगर आप जाओगे किसी रूरल प्लेस में या थोड़े से सिटी के आउटस्कर्ट्स में, तो बड़े बड़े वो मंगल कार्यालय होते हैं जहां पे शादियां होती हैं, वहां पे 2,000, 3,000, 5,000 लोग बैठ सकते हैं. तो क्या हम उसको ब्यूटीफुल कहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट. बिग स्पेस डज नॉट मीन ब्यूटीफुल. फिर और एक मिसकंसेप्शन है, और एक मिथ है कि क्या
एक बहुत सुंदर डेकोरेटेड जो होम है वो एक ब्यूटीफुल होम है ना। जैसे बहुत सारे होम मेकर्स आपको मिलेंगे जो बहुत सारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब्स के चैनल से इंस्पायर्ड होते हैं और उनको लगता है कि वो जब घर की सजावट करते हैं और घर को डिजाइन करते हैं वो दोनों को एक ही मानते हैं। या बट पीपल इन दिस रूम टुडे, इन दिस कॉन्फ्रेंस टुडे, जो इस बात को आपको एक डिस्टिंक्शन दे रहा हूं मैं, डेकोरेटिंग योर हाउस विद ब्यूटिफुल मटेरियल, ब्यूटिफुल डेकोरेशन पीसेस, वॉल पीसेस इज डेकोरेशन, इट इज इंटीरियर डेकोरेशन। मोस्ट ऑफ द इंटीरियर डिजाइनिंग क्लासेस आर नथिंग बट इंटीरियर डेकोरेशन क्लासेस। या हमें करना है, वी आर सिविल इंजीनियर्स, वी आर इंटीरियर डिजाइनर्स, डिजाइनर्स हैं हम लोग। या तो ब्यूटिफुल होम का मतलब दोस्तों ब्यूटिफुली डेकोरेटेड ये नहीं होता है। ऑफकोर्स एक अच्छा डिजाइन वाला जो घर होता है वो डेकोरेटेड भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं ये सिर्फ डेकोरेशन का काम है तो दैट इज नॉट अ ब्यूटिफुल होम। थर्ड कंसेप्ट है, वो भी एक मिसकंसेप्शन है, कि घर में अगर चीजें एक्सपेंसिव यूज किया है, इफ एक्सपेंसिव थिंग्स आर यूज देन दिस इज अ ब्यूटिफुल होम, एब्सोल्युटली नॉट, है ना। हम में से बहुत से लोग गौरी खान को फॉलो करते हैं, शाहरुख खान की वाइफ, बड़ी महंगी महंगी लैंप लेके आते हैं। तो एक घर को खूबसूरत करने के लिए क्या सिर्फ महंगी चीजों का जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। सो गाइज आपके नोटबुक्स निकालिए, इन तीन चीजों से लिखना है कि वॉट आर द थ्री मिथ्स अबाउट अ ब्यूटीफुल होम। बड़ा स्पेस का जरूरत नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन का जरूरत नहीं है, और सिर्फ एक्सपेंसिव चीजों का जरूरत नहीं है, मतलब कार्पेट, कर्टन्स, फर्नीचर, अप्लायंसेस, ये सारे महंगे अगर होंगे भी, फिर भी आपका घर हो सकता है या आपने जो घर डिजाइन किया वो ब्यूटीफुल ना हो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ ब्यूटीफुल होम। अ ब्यूटीफुल होम, घर में कौन रहता है फ्रेंड्स? घर में रहते हैं ऑक्यूपेंट्स, पीपल, ह्यूमंस। ह्यूमंस हैव फंक्शनल नीड्स, एस्थेटिक इज अ पार्ट ऑफ दैट नीड, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इज द फंक्शनैलिटी। या इमेजिन अ पर्सन वर्किंग इन सम आईटी कंपनी इन पुणे एंड ही इज नाउ हैविंग हिज वर्क इन अ हाइब्रिड पैटर्न। हाफ द टाइम उनका वर्क फ्रॉम होम रहता है और दो दिनों के लिए उनको ऑफिस जाना पड़ता है। एंड लेट्स से ही इज वर्किंग ऑन एन अमेरिकन शिप, तो वो जो बेडरूम में सोते हैं वहीं पे वो ऑफिस का भी काम करते हैं। एंड इमेजिन ही हैज अ वाइफ एंड अ किड हु गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, सो कैन ही कीप ऑल द लाइट्स ऑन? इफ ही डज नॉट हैव अ प्रॉपर टेबल टू कीप हिज लैपटॉप, डज नॉट हैव अ प्रॉपर इलेक्ट्रिकल फिटिंग टू चार्ज हिज लैपटॉप, टू चार्ज हिज डिवाइसेस, सो विल दैट वो आप वहां पे कितना भी खूबसूरत अप्लायंस लगा लो, बट इफ इट इज नॉट हैविंग द यूटिलिटी, अगर वो घर उसके फंक्शनैलिटी के हिसाब से नहीं बनाए तो इट इज नॉट अ ब्यूटिफुल होम। सो वॉट इज अ ब्यूटिफुल होम? अ ब्यूटिफुल होम इज अ स्पेस, अ ब्यूटिफुल स्पेस इज वेन इट इज वेल डिजाइन, टेक्स केयर ऑफ द ह्यूमन कंफर्ट एंड टेक्स केयर ऑफ द ह्यूमन फंक्शनैलिटी नीड्स। सो प्लीज राइट डाउन इन दिस योर नोटबुक, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। पहले जो उसको आप लिखोगे एज अ थ्री मिथ्स ऑफ ब्यूटीफुल होम, बट व्हाट इज एग्जैक्टली अ ब्यूटीफुल होम, प्लीज राइट डाउन द नोटबुक। वन व्हिच इज फंक्शनल, वन व्हिच टेक केयर्स ऑफ हिज नीड्स, वन व्हिच इज प्लेजेंट, अच्छा लगना चाहिए उसको, या एंड वन which also appears good, that is aesthetic, right? So what is a beautiful home? Please write down this concept. Yeah, next move to the next point now. What is the next point? The next point is about goal of this course. Jinke paas mobile se dekh rahe ho, please take a screenshot of this. This is the goal of the course. Most of you are learning some of the software such as AutoCAD, Revit, Max, everything. So please write down this. Ye course se inspire hoke aapko aapke tools behtar hone chahiye. See, there are two aspects to this course. The first aspect is
See, if you look at an artist must definitely have good brush. He must have beautiful paints. He must have, you know, very beautiful palette. But if you look at artist and if you look at his craft and his artistry, it basically depends upon his head. What does he want to draw? How does he want to paint? The quality of the brush, of course, will definitely matter. How good is the paint? क्या मैटर करेगा? बिल्कुल करेगा. लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि आर्टिस्ट सोचता कैसे है. सो इवन विद कैड सेंटर स्टूडेंट दिस इज अ सिमिलर थिंग. द ऑटोकैड दैट यू आर लर्निंग, द रेविट यू आर टेकिंग केयर विल लर्न, और मैक्स, दीज आर ग्रेट टूल्स. दीज आर ग्लोबली यूज टूल्स. आई एम सिटिंग अ प्लेस इन पुणे विच इज अमनोरा टाउनशिप. इट इज अ 35,000 करोड़ प्रोजेक्ट. इट हैज बीन डिजाइंड ऑन रेविट architecture. You have this Pune metro, which is about 14,000 crore 100 plant project. If you travel in a metro on the small LED screens, you will see designed with the help of BIM softwares, Revit. So these are global softwares, but the tool is only as good as your design knowledge. So in this masterclass, I am going to teach you that part of your mind कि आप जहां से डिजाइन करते हो. तो मेरा जो सक्सेस का मॉडल है वो क्या है, दैट इज ए प्लस बी. लिख लीजिए इसको, सक्सेस फॉर्मूला नंबर वन. दिस इज सक्सेस फॉर्मूला नंबर वन. हर मास्टर क्लास में आपको सक्सेस फॉर्मूलाज दूंगा, बिकॉज ये वी आर हियर नॉट जस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर अ जॉब. वो मेरा मकसद है ही नहीं. इतना बेहतरीन क्लास करने के बाद आपका लाइफ में वैल्यू बढ़ना चाहिए. आप जो सैलरी आगे वाले से मांग रहे हो वो बढ़ना चाहिए. सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज ए प्लस बी. व्हाट इज ए? ए इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर टूल्स का प्रैक्टिस आप जोरदार कीजिए. इट कुड बी ऑटोकैड, इट कुड बी रेविट, इट कुड बी मैक्स, स्केचअप, कुछ भी हो सकता है, है ना. और पार्ट बी में आप ये डिजाइन फंडामेंटल्स आपके पक्के कीजिए. क्या करोगे आप? डिजाइन फंडामेंटल्स आपको पक्के करने हैं. तो जो भी आज इस क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राइट डाउन सक्सेस फॉर्मूला नंबर वन, ए प्लस बी. ए मतलब सॉफ्टवेयर और बी मतलब डिजाइन फंडामेंटल. देखिए ए क्या होता है. सी फॉर एग्जाम्पल, आप कितना भी अच्छा, आपको वास्तुशास्त्र आता हो, आपको कितना भी अच्छा स्पेस डिजाइन आता हो, लेकिन इस मॉडर्न जमाने में अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स यूज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? आपको बस लिमिटेड क्लाइंटल ही मिलेंगे. आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल के साथ जुड़ ही नहीं सकते हो सिर्फ डिजाइनिंग के बेसिस पे. वो जमाना गया है ना. तो सिर्फ बी आना इज हाफ द जॉब. अभी फर्ज कीजिए कि आपके जैसे लोग सिर्फ ऑटोकैड पढ़ रहे हैं, सो यू विल गेट अ जॉब, बट पीपल विल नॉट टेक अप योर माइंड. आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही गदा मजदूरी करनी पड़ेगी. सॉफ्टवेयर इज अ टूल एंड देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर लर्निंग दैट टूल, बट यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन कि कोई और बंदा डिजाइन करेगा और आप उसको सिर्फ टूल में बना के दे दोगे विथ प्रिसीजन. नाउ यू टेक माई सक्सेस फॉर्मूला, इट इज ए प्लस बी. आप सॉफ्टवेयर पे ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, यू शुड बी अ मास्टर ऑफ द सॉफ्टवेयर. मिनिमम टाइम में विदाउट एरर्स आपके 2D और 3D मॉडल्स बनने चाहिए. और आप इस सॉफ्टवेयर स्किल्स को जोड़ दीजिए इस मास्टर क्लास में जो सिखा रहा हूं. इन 7 इजी स्टेप्स आप ये डिजाइन फंडामेंटल सीखिए स्पेस डिजाइन के. सो नाउ यू आर अ सिविल इंजीनियर और एन इंटीरियर डिजाइनर, या फिर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो, आपको पता है कि एक रेसिडेंशियल होम कैसे डिजाइन होता है और कैसे उसको आपकी जो आइडिया है, आपको जो मैं आज सिखाऊंगा उसको आप सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हो. या सो गाइज, ये फॉर्मूला को याद रखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द गोल ऑफ दिस कोर्स. व्हाट इज द गोल ऑफ दिस कोर्स? या नाउ सी द बेसिक चैलेंज इन डिजाइनिंग इज कि मुझे घर डिजाइन करना है. सो मैं इस गोल को पढ़ता हूं और फिर धीरे से इसको समझाता हूं, बिकॉज आज के मास्टर क्लास का दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. सब कुछ भूल भी गया तो चलिएगा, गोल ऑफ द कोर्स प्लीज आपको भूलना नहीं है. व्हाट इज द गोल ऑफ दिस कोर्स? इट इज हाउ टू फाइंड आउट मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर अ होम विच इज ब्यूटिफुल, कंफर्टेबल
and functions well for the people living in it. या अभी इसको तोड़ के बताता हूं मैं आपको. देखिए, आपको ना सारे लोगों का स्ट्रगल यही पे होता है इस पोर्शन में कि हाउ टू फाइंड आउट मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड, हाउ टू फाइंड आउट मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर अ होम, एक घर के लिए. तो अभी आप ऑटोकैड में क्या सीखते हो, ऑटोकैड में कहीं पे आपको हम लोग प्लान्स देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, जैसे भी आप बंगलो का लोगे, फिर उसके बाद सिटी हॉस्पिटल बनाओगे, तो आपको ना वो सिर्फ आप स्पेसिफिक इससे 2D ड्राफ्टिंग कर रहे हो उस घर का. लेकिन अगर मैं पूछूं कि अगर इसमें 4 लोगों की फैमिली को अकोमोडेट करना है तो कैसे करोगे, तो आप कर नहीं पाओगे, राइट. तो आपको जो स्पेस रिक्वायर्ड जो है घर के लिए, वो कैसे कैलकुलेट करनी है, वो इस सारे कोर्सेस में मैं आपको हर एक मास्टर क्लास में सिखाऊंगा. बट व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन इज द होम शुड बी ब्यूटीफुल, या इट शुड बी कंफर्टेबल एंड वन विच आल्सो फंक्शंस वेरी वेरी वेल. फॉर होम, for the people who live in it. So all my AutoCAD students, all my Revit, SketchUp, Max student, is baat ko dhyan rakhiye ki agar aapko space design karni hai, it is done for the people who live in it. So the first aspect, the first goal of your should be ki ghar beautiful ho, comfortable ho, aur wo sari functionality ko meet kare. To iske liye kitna minimum space required hai, ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन टुडेज मास्टर क्लास लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट. सी एनी प्रोजेक्ट विच इज टेकन अप, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट. देखिए, आपने हिंदू माइथोलॉजी में, और ये जो इस यहां से वो समझेंगे इस कंसेप्ट को, बेसिकली इट इज वेरी वेरी सिंपल. कि अगर आप प्रोजेक्ट का मतलब होता है यज्ञ, इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज यज्ञ. व्हाट इज अ यज्ञ? एक यज्ञ एक प्रोसेस होता है दैट इज बिटवीन अ गॉड, एक तरफ होते हैं गॉड और एक तरफ होते हैं यजमान. सो दिस इज अ गॉड, दिस इज अ यजमान. तो हु इज द गॉड इन अ प्रोजेक्ट? योर गॉड इज क्लाइंट. और यजमान कौन है? स्पेस डिजाइनर्स. तो इस प्रकार से तो यजमान क्या करते हैं यज्ञ में, वो आहुति डालते रहते हैं, है ना. एंड दे एक्सपेक्ट कि हमारे जो भगवान है वो एक दिन खुश होंगे मेरे डिजाइन से और मुझे आशीर्वाद देंगे. और आशीर्वाद भगवान किस फॉर्म में देते हैं? वो देते हैं लक्ष्मी के फॉर्म में. तो आपको आपका जो डिजाइन का नॉलेज है उसको आहुति करके डालना है इस प्रोजेक्ट में, और इन टर्न आपको भगवान आशीर्वाद देंगे या लक्ष्मी देंगे. तो सारा जो स्पेस डिजाइनिंग का किस्सा है वो यज्ञ से ही आप समझ लीजिए. अभी क्या होता है ना, ये भगवान बार बार प्लान बदलते रहते हैं, खुश नहीं होते हैं. कभी बोलेंगे बजट इतना है, कभी बोलेंगे मुझे इस टाइम पे चाहिए, कभी बोलेंगे कि आज इतना डिजाइन कर दो, फिर और एक माला ऊपर चढ़ा दो. तो यजमान का काम होता है जो भी भगवान की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना. तो आशीर्वाद लक्ष्मी के रूप में, धन के रूप में तभी मिलेगा जब आपके भगवान आपसे खुश होंगे, राइट. तो इसी कंसेप्ट पे फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट में अभी आपको समझा रहा हूं. देखिए, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअली होते हैं 5-step प्रोसेस. अभी आज के लिए मैं इसको शॉर्ट में 2 steps में सिखा रहा हूं. जो पहला फेज होता है ना वो प्लानिंग का होता है. तो जो हमारा डिजाइनिंग का जो पार्ट होता है, डिजाइनिंग ऑफ होम,
that is a part of your planning process. Yeah. Or is plan ko execute karne ka koshish karte hai. To pehla sawal hai, kya 100% of the plan execute ho sakta hai? Nahin. 100% of the design execute nahi ho sakta hai, kyunki material ke challenges hote hai, labor ke challenges hote hai. कभी बहुत बार मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जिस प्रकार से डिजाइन बनाया गया है बाद में पता चलता है कि अरे डिजाइन के इसमें वो स्टैंडर्ड पार्ट्स ही नहीं बने हुए हैं, बहुत बार साइट के अपने कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक तो कंस्ट्रेंट्स के ऊपर नहीं है, उसके लिए कोई और अलग कोर्स बना दूंगा, या फिर आप वैष्णवी मैम का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पोर्टल में से देखिएगा। तो ये जो हमारा डिजाइनिंग होता है ना, ये हमेशा पहले फेज में होता है। तो हमेशा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्लाइंट की नीड समझ के करना पड़ता है। फिर देर आर फिजिकल कंस्ट्रेंट्स एज वेल, एंड देन देर आर फ्रीक्वेंट रिवीजन एज वेल, कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर दो, क्लाइंट हमेशा आपको तंग करते रहेंगे। तो स्पेस डिजाइनिंग में हम लोग जो सीख रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग फेज। या तो चलिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पे मैं बाकी जो पूरा कोर्स है उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, तो जब हम नेक्स्ट मास्टर क्लास में मिलेंगे तब आपको ये बता दूंगा कि ये क्या क्या है। देखिए, जो स्पेस प्लानिंग में ना सबसे पहले कंसेप्ट होता है प्राइवेसी। तो अगर मैं आपको कह दूं कि मैंने आपको 1000 स्क्वायर फीट का प्लेस डिजाइन करने के लिए दिया है, तो अगर आप इसको डिजाइन करके दे सकते हो तो बहुत सारे लोगों के तोते उड़ जाएंगे, बहुत सारे लोगों को सरप्राइज हुआ कि अरे चालू कहाँ से करूँ, है ना। तो मैं इस 7 स्टेप्स में आपको विल बिगिन विद फ्लो ऑफ ट्रैफिक, फिर उसके बाद हम हर एक छोटे छोटे पीरियड में सारे आपको मैं मास्टर क्लासेस देने वाला हूँ, राइट। तो दोस्तों, अभी आपको आखिरी के 5 मिनट्स बाकी, अभी आपको और भी कुछ दिखाना है मुझे। ये देखिए, इज माई स्क्रीन विजिबल? See, many of the students always had this complaint कि जब तक हम CAD center में रहते हैं तो पूरा support रहता है, लेकिन जैसे ही CAD center से हम लोग exit हो जाते हैं वो support हमें नहीं मिलता है। So me and our other directors, we were thinking कि क्या कर सकते हैं support देने के लिए, कि इस बात का मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। So what we did was, in order to create a continuous support system, we did 3 things. I'll just tell you. So the whole idea was to give you continuous support. तो इसका पूरा ये इसी पे बेस्ड हुआ है कि आप यहाँ पे पढ़ो या ना पढ़ो, वी शुड बी कनेक्टेड एंड हाउ वी शैल बी कनेक्टेड। सो वी आर यूजिंग लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी कनेक्टेड टू यू, एंड व्हाट इज अवर एंड गोल? अवर एंड गोल इज वी वांट यू टू बी एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ डिजाइन। तो इस मकसद को ध्यान में रखते हुए हमने 3 लेयर का सपोर्ट तैयार किया है। वी हैव डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज डिजाइन योर ओन यूनिवर्सिटी। सो व्हाट आर वी डूइंग इन दिस डिजाइन योर ओन यूनिवर्सिटी? सबसे पहले तो हमने एक ई लर्निंग पोर्टल तैयार किया है, जिसका अभी वर्जन 0.1 लॉन्च होगा। पहला वर्जन लॉन्च चुका है, 0.1 वर्जन लॉन्च होगा, दैट इज ऑन दिस कमिंग 1st of December। अभी इस लर्निंग पोर्टल में 1400 GB के कोर्सेस ऑलरेडी हैं। या अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो कोर्सेस हैं इस पे मैं आई एम गोइंग टू कंडक्ट लाइव मास्टर क्लासेस। तो पहला जो ई लर्निंग पोर्टल है उसमें 1400 GB के कोर्सेस हैं, और उस पे हम लोग ने ऐसे सारे कोर्सेस रखे हैं जो A+B फॉर्मूला के हैं, कि सॉफ्टवेयर आप भी आपका बढ़िया हो, और सेकंड आप इस पे
डिजाइन फंडामेंटल्स का भी नॉलेज हो, तो वो पोर्टल क्या है वो मैं दिखाता हूँ। उसके बाद वीकली मास्टर क्लास रहेगा। एंड द थर्ड विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इज वी आर फॉर्मिंग अ कम्युनिटी जहां पे हमारे जो जॉब्स सीकर्स हैं, जिन लोग को जॉब्स चाहिए और जो मार्केट में बड़े बड़े कंपनियों में जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो कंपनी के ओनर्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, बड़ी यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म है, हम उनके साथ नेटवर्किंग करके आप दोनों का कांटेक्ट कर रहे हो, है ना। तो हम लोग उनको जॉब नहीं मांग रहे हैं आपके लिए, वी आर जस्ट आस्किंग देम कि हमारे स्टूडेंट्स को तो हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं, वी हैव अवर ओन पोर्टल, हम तो मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है नीलसॉफ्ट, सो वी आर ट्राइंग टू गेट समबडी फ्रॉम नीलसॉफ्ट हु कैन टेल अस कि यार आपके स्टूडेंट नीलसॉफ्ट में क्या तैयारी करके जाए। तो कोई भी फ्रेंड्स गलतफहमी मत रखिए, दिस नेटवर्किंग इज फॉर नॉट फॉर जॉब प्लेसमेंट, दिस इज फॉर जॉब प्रिपरेशन। मैं चाहता ही नहीं हूं कि किसी के आगे ना आप हाथ पसराएं ना मैं पसरा हूं। वी वॉन्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू गेट अ हिंट कि हम कैसे आपकी तैयारी अच्छा कर सके, राइट। तो इसी इसमें नाउ आपको मैं एक लर्निंग पोर्टल का डेमो देना चाहता हूँ। सी दिस इज व्हाट इज द लर्निंग पोर्टल, इज दिस विजिबल? या तो इसमें है ना स्पेस डिजाइनिंग के सारे एप्लीकेशंस रखे हुए हैं, कि डिजाइनर्स माइंडसेट क्या होता है वो सारा बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं अभी आप में से कुछ लोगों से मिलता हूँ, आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या लेवल का सपोर्ट चाहिए। तो अभी तक मेरा पास अबाउट 400 स्टूडेंट्स हैव फिल्ड दैट सर्वे, एंड यू नो व्हाट इज द वन मोस्ट कॉमन थिंग दैट इज देयर, मेनी ऑफ यू डू नॉट हैव अ क्लियर स्पेसिफिक गोल, मेनी ऑफ यू हैव स्टिल नॉट सेट योर गोल, अभी आपको पता ही नहीं है कि गोल क्या है। लॉट ऑफ यू आर नॉट मोटिवेटेड, नॉट इंस्पायर्ड, मेनी ऑफ यू टेंड टू लर्न द सॉफ्टवेयर लेकिन उस सॉफ्टवेयर को भूल जाते हो। तो आप मुझसे मिलिए, अगर मौका मिला तो वी विल मीट वन टू वन, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, वॉट इज योर लाइफ स्टोरी, क्या गोल है आपका, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ आई कैन सपोर्ट इन योर गोल। तो इसमें मोटिवेशन का भी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी रखा हुआ है, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज, या सो थैंक यू गाइज, hope to meet you soon. If you want to subscribe to this new continuous support for the first 25 students, we are giving about 90% discount. Yeah, so if you want to know more, you can contact respective center managers there. Thank you. We will meet very soon. Abhi main schedule aapko aaj kal morning mein aapko bataunga ki next masterclass about the 7 steps kab hoga. Thank you very much. This is Kaustubh Panse signing off. It was lovely, lovely meeting with you. बस एक ही बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो expert होता है ना अपने field का, he is not the one who is very talented, he is not the most intelligent, but he is the one who is most persistent. Yeah? So you subscribe to the CAD Center Design Studio YouTube channel, वहाँ पे बहुत activity होने वाली है. You subscribe to my channel as well. Because I tend to meet a lot of people, I will be telling you how to keep yourself motivated, how to be creative. So the whole idea of this continuous support and design your own university project was ki yaar kaise abhi aap classes ke liye to roz on an average 2 ghanta aate hi ho, hai na, bahut sare log to zyada bhi baith rahe hain. I met some lovely students at our Bibliody office, somebody who are really working it hard, you know. So I met Gaurav, amazing, the kind of words, if Gaurav is here, Gaurav, thank you, Dutch lifestyle, elite mindset, amazing. So there is a lot to learn from you, but understand, expertise is not a one day process. You have to, you know, be very persistent with it. So jo jo log mere sath hamesha jude rahenge, I will ensure that in the next 6 months, आप वहां पे बन जाओगे कि यू विल अर्न मोर मनी. रिमेंबर माय मिशन इज हाउ टू अर्न मोर मनी डूइंग द डिफरेंट थिंग्स, बट हाउ यू कैन अर्न मोर मनी. या थैंक यू वेरी मच, दिस इज कौस्तुभ.